ले, फिर सारा वीडियो ऑन कर लें और खड़े हो जाएं। फिर सारा वीडियो ऑन करें और खड़े हो जाएं। आपको तो मुझे मिला है, सांस रोकते हुए ऊपर ले जाएं और रोक कर रखें। हाथों को ऊपर निकालते हुए बाकाश मिलाएं, साथ में हाथ ऊपर निकाल दिए बाबा। दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लें, जबरदस्ती नहीं करनी है किसी को भी। जो क्रिया आराम से कर सकें उसी क्रिया को करें और जितना आराम से कर सकते हैं उतना ही करें। दोनों हाथों को सामने और सांस भरते हुए बाएं साइड ले जाएं, जितना आराम से जा सकते हैं। सांस को रोक के रखें थोड़ा, फिर निकालते हुए वापस सामने ऐसे। फिर राइट साइड निकालते हुए सामने, लेफ्ट राइट वापस राइट वापस राइट रिलैक्स। राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, सांस भरें, निकालते हुए थोड़ा पैरों में फासला रखेंगे, लेफ्ट साइड झुकेंगे, जितना आराम से झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। सांस निकालते हुए वापस लेफ्ट हैंड से सांस भर के हाथ ऊपर, निकालते हुए नीचे झुकें, लगातार करें कंटिन्यू। नेक्स्ट क्रिया, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, निकालते हुए आगे झुकेंगे, जितना सहज ढंग से कर सकते हैं उतना करेंगे, जबरदस्ती कुछ नहीं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, थोड़ा पीछे को झुकते हुए, निकालते हुए आगे की ओर झुकें, जितना झुक सकते हैं। फिर सांस भरते हुए हाथ ऊपर, निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, निकालते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, रिलैक्स।
रिलैक्स। जो भी श्वास की गति बढ़ी है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस भरें। बीस स्ट्रोक का चक्र तीनों क्रियाओं में 20 स्ट्रोक लगाएंगे। अब सामने से हाथों को सामने ले जाएं, कोहनी को मिलाएं, सांस भरें। अब पूरे शरीर को हिलाएंगे, कंपन करेंगे। दौड़ते हुए पूरे शरीर में कंपन करना है। हाथों को पूरी शक्ति से लाए, हाथों में भी कंपन और दौड़ते जाएं। अब बैठ जाएं, किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जो सांसें चल रही हैं उन सांसों का एहसास प्रत्येक अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस सांस को लेने की या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है।
जो सामान्य श्वास चल रहा है उसी श्वास को महसूस करना है, उसी सांस का एहसास करना है। तो ठीक सांस को महसूस करें, शरीर में जो ऊर्जा की तरंगें हैं उन ऊर्जा की तरंगों को महसूस करें, जो भी शरीर में संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं को महसूस करें। प्रत्येक संवेदना का एहसास, प्रत्येक तरंग का एहसास अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा के अद्भुत तरंगे हैं, उन तरंगों के साथ जो भी एहसास हो रहे हैं किसी भी तरह का एहसास, उस एहसास को करते जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, पूरी तरह से सही शांत होता जाए। जितना सही शांत होगा उतनी ही संवेदनाओं का अनुभव अच्छा होगा, उतना ही ओम की शक्ति से अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। तीन बार आकर भंजन करेंगे, फिर तीन बार ऊ का भंजन करेंगे और तीन बार मैं का भंजन। गहरा श्वास भरें, लंबा गुंजन, और कुछ क्षण ठहर कर उसकी अनुभूति, फिर गहरा सांस। आपके साथ उठती हुई संवेदनाओं का एहसास होने लगा होगा, लगातार साधना कर रहे हैं तो संवेदनाओं को पकड़ने की क्षमता भी बढ़ रही है। स्टमक में जागृत होती हुई तरंगों को, मूलाधार से नाभि की ओर जाती हुई तरंगों को आप सहज में महसूस करने लगे होंगे। पूरा ध्यान आपका उन संवेदनाओं के साथ हो, संवेदनाएं जो उठ रही हैं वो कैसे उठ रही हैं, आपके स्टमक में जो तरंगे आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं। एक बार फिर गया सांस।
तंग का एहसास। इसी का तीन आहू का उच्चारण और तरंग नाभि से ऊपर की ओर उठती हुई लंग्स और कंठ तक गले तक संवेदनाएं तरंगे जागृत होती हुई यह साधारण ओ लंग्स के रास्ते जो कंपन होता हुआ ऊपर उठा लंग एरिए को जो कंपन पैदा कर रहा है जो नाड़ पैदा कर रहा है उसका एहसास नहीं एनर्जी का प्रभाव आपके लंग्स में एक बार फिर उच्चारण किया ऐसा करें संवेदनाओं को शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं आज्ञा चक्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन सब का एहसास करते जाएं और मैं उच्चारण जैसा करें कण चक्र से ऊपर मस्तिष्क में जागृत होती हुई मस्तिष्क में कंपन विनाश प्रकाश अनंत ऊर्जा की अनुभूति एहसास परिवर्तनों का एहसास ये बात एक एहसास
ऊर्जा का प्रभाव, अद्भुत ऊर्जा का एहसास, अनंत ऊर्जा और अनंत ऊर्जा की अनुभूतियाँ, अद्भुत ऊर्जा की जागृति और पूरे सामान्य ओम का उच्चारण। ऊर्जा नीचे से उठते हुए ऊपर की ओर जाए, यह सांस ओ पूरे ओम के बाद सांस को वहीं रोक दें जितनी देर रोक सकते हैं, उतनी देर रोक कर रखें और फिर दो सामान्य सांस ओम का गुंजन पूरा करके सांस को लेना नहीं है, वहीं रोक देना है जितनी देर आराम से रोक सकते हैं, जबरदस्ती कोई नहीं करनी है। और उस समय के एहसासों को करना है जब सांस रुकी हो, तब सही में क्या अनुभव हो रही है, वापिस सहज तो कहीं सांस लेनी है, फिर ओम का उच्चारण एहसास करें ओ पूरे ओम को बोल कर एकदम सांस को रोक दें, फिर कोई सही में क्रिया न करें। उस समय सही के मसल जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में पहुँचती हैं, वहीं ही रोक दें। न कोई स्टमक में हलचल हो, न लंग्स में हलचल हो और न ही आपके सांस में कोई हलचल हो, जितने भी सेकंड आप रोक सकते हैं, 1, 2, 5, 10 और उस पल में जो अनुभव हो रहे हैं उसका एहसास। लेकिन याद है कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है ताकि तो जो कि ना हो। तो फिर एक बार एहसास हो शरीर को रोक कर उस पर लाके चक्र में भी देखें, दौड़ते हुए अंगों को और तेजी से ओम की स्पीड को बढ़ाते हुए आगे चक्र में पूरी चेतना शक्ति को रखते हुए तेजी से ओम को बोलेंगे जल्दी जल्दी, और पूरी चेतना शक्ति आगे चक्र में लगा कर रखेंगे और महसूस करेंगे कि जितनी तेजी से ओम हम बोल रहे हैं उतनी ही तेजी से सामने से ओम हमारे मस्तिष्क में आगे चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। शुरू करें ओम 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 ओम। एक सांस में जितने ओम बोले जा सकते हैं बोलें,
और आग क्या चक्कर में देखें, अरोम आपके आगे चक्कर में प्रवेश करे, एक सांस में जितने ओम बोल सकते हैं सारे ओम आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाए। शुरू करें, ओम 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 ओम। लगातार ओम प्रकाश आज्ञा चक्र में आप देख पा रहे हैं, इस ओम के प्रकाश में डूबते जाएं, दूर से ओम की आती हुई ध्वनि वह विमान में घूमती हुई ओम की ध्वनि पूरी सृष्टि में गूंजती हुई ओम की ध्वनि अद्भुत ओम का उच्चारण जिससे अनंत ऊर्जा के अंदर जागृत हुई है, आज्ञा चक्र में अनंत प्रकाश पूरी चेतना शक्ति से आज्ञा चक्र में देखते जाएं, डूबते जाएं, खोते चले जाएं, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के इस सुनता में डूबते जाएं। आपके पैर दर हाथ सब सुन्न हो जाए, फिर ऊर्जा की अनुभूति, ऊर्जा का एहसास, बाकी कोई एहसास नहीं, कुछ भी एहसास नहीं, सिर्फ ऊर्जा की अनुभूति, ऊर्जा का एहसास, अनंत अद्भुत ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति। कोई प्रश्न नहीं, जो स्वयं प्रकट हो उसका ऐसा ओम जैसे कहीं पाओ तो टपा कर आवाज आती है, ठीक है सही हूँ, फिर ओम
ब्रह्मांड से आ रही है, लाखों करोड़ संत साथ ओम का उच्चारण कर रहे हैं। उनकी अग्नि का साथ उस मंडल में जो ऊर्जा क्रिएट हो रही है, उस ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। महसूस करें सोहम की ऊर्जा का बतूल बन गया हो, जैसे आप बीच में बैठे हों और चारों तरफ लोग ओम की धरनी कर रहे हैं, चारों तरफ हजारों लाखों लोग आपके बैठे हैं ओम की धरनी कर रहे हैं। तब सांस करने के समय
कठेरा नन कनुनिया कोई मंडल के साथ एक साथ जुड़कर नन तो जा का संचार और ऐश्वर्या की अनुभूति करते हुए धीरे धीरे क्षेत्र में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दोगे साथ भरें सांसों का एहसास शरीर का एहसास हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों पर रब करें, जम करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।